वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वीराज राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्ट इन इंडिया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आप भी अगर फिनो पेमेंट बैंक के बीसी मर्चेंट हैं तो आप फर्स्ट टाइम अपने बीसी वॉलेट पे कैसे अपना बीसी पूल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको सेटलमेंट करना रहता है, अपने वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र अपने बैंक अकाउंट में करना रहता है, तो उसको कैसे ऐड कर किया जाता है दोस्तों, और साथ में कैसे अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा, हम पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी के हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हो, मैं आ गया हूँ यहाँ पास लैपटॉप स्क्रीन पे। आपको अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पास सबसे पहले सर्च मार लेना है पार्टनर फिनो पेमेंट बैंक, उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास हम दिखा दें, थ्री डॉट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास फिनो सहयोग का एक ऑप्शन है। अगर आप एक पुराने बीसी मर्चेंट है फिनो पेमेंट बैंक के, तो आप अपने बीसी पूल अकाउंट को अगर चेंज कराना चाहते हैं, क्लोज कराना चाहते हैं जो सेटलमेंट अकाउंट है उसको, तो आपको यहाँ पास फिनो सहयोग में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पास क्लोजर ऑफ बीसी मर्चेंट अकाउंट, यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों। आपको रीजन बताना होगा, साथ में यहाँ पास बैंक नेम, लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब चीज़ आपको डालना होगा। उसके बाद एक टिकट जनरेट करना होगा। तो दोस्तों आप जब आप ये टिकट जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद ये फिनो पेमेंट बैंक में चले जाएगा, उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों अगर ये आप नहीं करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी ये काम कर सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है जो भी आपके फिनो पेमेंट बैंक में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों ये करने के बाद यहाँ पास देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पास वॉलकिन रहेगा, तो वॉलकिन पे क्लिक करेंगे तो नीचे में जो बीसी मर्चेंट अकाउंट है उसको आपको क्लिक कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको बीसी मर्चेंट अकाउंट को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास फिनो टू अदर बीसी अकाउंट दिखाई दे रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पास मेरा कोई भी अकाउंट ऐड नहीं है, तो यहाँ पास आपको अकाउंट ऐड करना रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों न्यू बेनिफिशियर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पास बेनिफिशियर अकाउंट नंबर डालना है, फिर बैंक नेम, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद दोस्तों बेनिफिशियर नेम डालना है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पास फिलअप करना होगा। आपका अगर न्यू अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो अगर आप न्यू आईडी लिए हैं तो फिनो पेमेंट बैंक के, या फिर आप अपने बीसी पूल अकाउंट को क्लोज करा दिए हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पास न्यू अकाउंट ऐड करेंगे, जो आपका सेटलमेंट होगा इसी में आपका पैसा जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपका एक एक अकाउंट नंबर का जो नंबर है उसको ध्यान से भरें, साथ में आपका जो बैंक में नेम है वही यहाँ पास स्पेलिंग डालें, कोई अदर स्पेलिंग ना डालें, क्योंकि ये वेरीफाई होता है, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पास अपना जो भी बैंक है उसको सेलेक्ट कर लेना है। चलो दोस्तों हम यहाँ पास बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पास आईएफएससी कोड डाल लेना है। चलो दोस्तों हम यहाँ पास फटाफट आईएफएससी कोड, उसके बाद यहाँ पास बेनिफिशियर नेम डाल लेते हैं। जैसे ही डालेंगे दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो सर्च का ऑप्शन है, आप आईएफएससी कोड अपना सर्च कर सकते हैं। ये सब भरने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई करना होगा, चार्जेस ₹1 है देख सकते हो दोस्तों। ये जो चार्जेस है आपके फिनो का वॉलेट से कटेगा, आपके वॉलेट से कटेगा, उसके बाद आपके जो भी ये अकाउंट ऐड कर रहे हैं उसमें वो चले जाएगा, क्योंकि ये वेरीफाई करता है फिनो पेमेंट बैंक का। यहाँ पास कुछ अपडेट्स हैं उसको आपको फॉलो करना रहता है, नियम है। तो यहाँ पास अपना बेनिफिशियर नेम डालने के बाद, सब कंफर्म करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट में कौन सा नेम है पूरा यहाँ पास बेनिफिशियर नेम पे स्पष्ट शो करेगा। तो दोस्तों ये जो नेम है आपका है, उसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, फिनो चार्ज यहाँ पास क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो, अमाउंट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये अमाउंट आपके सीधा सेटलमेंट अकाउंट जो अभी ऐड किए हैं उसी पे जाएगा। जब यहाँ पास फिनो चार्ज पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। चलो दोस्तों हम यहाँ पास क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पास फिनो चार्ज जो है ₹5 लगना स्टार्ट हो चुका है, अपडेट है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पास कंफर्मेशन आएगा, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पास देख लेना है, आपका आईडी, साथ में यहाँ पास आपका नेम, बैंक अकाउंट, उसके बाद यहाँ पास चार्ज, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को दोस्तों यहाँ पास डालना है। चलो दोस्तों हम फटाफट अपने मोबाइल पे OTP आया उसको यहाँ पास डाल लेते हैं। जैसे ही OTP डालेंगे दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो, सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पास सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सेव ए PDF कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आराम से अपने अकाउंट ऐड कर सकते हैं, फिनो बीसी पूल अकाउंट ऐड कर सकते हैं अपने फिनो वॉलेट में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में दोस्तों नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हम नए नए अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।